Assalamu alaikum everyone, myself Sumal Talib and this video is for those who want to study abroad. आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो चाहते हैं कि हम नेक्स्ट डिग्री जो है ना अब्रॉड से हासिल करें. तो बाहर जाके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप इस वक्त अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. व्हाई स्टडी अब्रॉड? टू ट्रैवल द वर्ल्ड. ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट ये है टू ट्रैवल द वर्ल्ड, लेकिन उसके क्या फ़ायदे हैं? उसके ये फ़ायदे हैं, व्हेन यू मेक फ्रेंड्स एंड अ प्रोफेशनल नेटवर्क, आपका जो है ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है अबाउट योर एबिलिटीज. आपकी एबिलिटीज भी शार्प होती हैं, आपका जो है ना व्यू पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आपकी रिसर्च पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता है, आपका जो है ना योर वर्ल्ड बिकम ब्रॉडन एंड यू एक्सपीरियंस डिफरेंट पर्सनल ग्रोथ, डिवेलप योर वैल्यूएबल कैरियर स्किल्स. ठीक है, आप अपनी स्किल्स को डिवेलप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, यहाँ आप कहीं पे पहले जो आप डिग्री कर रहे हो उसमें आप कोई चीज़ें हैं जो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर केमिकल्स की अनअवेलेबिलिटी है, तो अगर आप बाहर जाओगे वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होगी, तो आप अपनी जो एबिलिटीज है उनको स्ट्रॉन्ग करोगे, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे और जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाओगे किसी भी काम को करने में. ठीक है, आपको पता चलेगा ये क्या क्या चीज़ें नहीं, न्यू टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी जो है ना स्पेसिफिक फील्ड के अंदर. द ग्रेट रीजन्स टू स्टडी अब्रॉड, डिफरेंट रीजन्स हैं इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अब्रॉड पढ़ें. ठीक है, अगर आप अपना माइंड बना रहे हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो आई मस्ट टेल यू दीज रीजंस. टू एक्सपेंड योर वर्ल्ड व्यू. ठीक है, आपका जो व्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, मजीद एक्सपेंड हो जाएगा. टू इन्हांस योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर आप रियलिटी चेक करें तो यही होता है कि लोग जो है ना बाहर इसीलिए पढ़ने जाते हैं ताकि उनका जो है ना प्रोफाइल स्ट्रांग हो. प्रोफाइल स्ट्रांग होगा तो उनके पास ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी एज कम्पेयर टू अदर्स. टू लर्न अनदर लैंग्वेज, आप जब बाहर जाते हो अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हो तो आपकी अपनी भी जो है ना स्पीकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो है ना लर्निंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी वहाँ जाके, तो आपकी जो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग वगैरह के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं इंग्लिश के वो सारे स्ट्रांग होंगे. एक्सपीरियंस अनदर कल्चर फर्स्ट हैंड, आप जिस भी कंट्री में जाओगे आप उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करोगे और वहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, मेक न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड आप डिफरेंट फ्रेंड्स बनाओगे, वहाँ पे भी तो डिफरेंट ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उस कंट्री के अलावा होंगे. ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे तो आप वर्ल्ड वाइड अपने फ्रेंड्स बना सकते हो. स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग एंड अडेप्टिबिलिटी स्किल्स. ठीक है, आप ये सारी चीज़ें स्किल्स अपनी जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में टीम वर्क में काम करोगे जहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होंगे, तो आपके जो है ना टीम बिल्डिंग होगी, अडेप्टबिलिटी स्किल्स स्ट्रांग होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी और गेन इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप गेन करोगे. डिस्कवर न्यू थिंग्स अबाउट योर ओन कल्चर. ठीक है, आप अपने ही कल्चर के बारे में न्यू चीज़ें वहाँ पर जाकर डिस्कवर कर सकते हो. बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब अब्रॉड पढ़ने जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है. ठीक है, इंडिपेंडेंस आती है आप में और आप वहीं वहाँ से जब आप वापस आती हो ना तो क्लियर कट डिफरेंस फील होता है ऐसे स्टूडेंट में जो आप बिफोर एंड आफ्टर, आप पहले किस तरह से थे और आप किस तरह हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप हर जगह पे जहाँ पे भी जाओगे अपनी क्रेडिबिलिटी ईजिली शो कर सकोगे. ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड. सो अब मैं आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी. अच्छा, मैं आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी आप लोगों को जो आजकल आई हुई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. सबसे पहले मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की बात करूंगी. ये यूएसए की स्कॉलरशिप है और बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है बाहर, और इसकी डेडलाइन ये है कि ये 15 जुलाई, पहले इसकी डेडलाइन थी, ये अब इंक्रीज होकर 22 जुलाई तक हो चुकी है. अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 22 जुलाई लिखी हुई है. अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी इसकी बताऊंगी. ये मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है. हर चीज़ की ये जो है ना कवरेज देगी आपको, फाइनेंशियल कवरेज. इसमें आप अगर हम डिसिप्लिन देखें कि कौन कौन से डिसिप्लिन हैं, तो आपके पास जो है ना ऑलमोस्ट सारे के सारे ही डिसिप्लिन हैं.
एक्सेप्ट फॉर क्लिनिकल मेडिसिन. क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा सारे डिसिप्लिन हैं. इन सारे डिसिप्लिन में लाइफ साइंसेस भी हैं, आपके पास फार्मेसी भी इसमें इंक्लूडेड है, ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसिप्लिन इसमें हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी फाइनेंशियल कवरेज देखें तो ये ट्यूशन फी से लेके हर चीज को कवर करता है. टेक्स्ट बुक्स, एयर फेयर, लिविंग स्टाइपेंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वीजा फीस, कंप्यूटर इन अलाउंस, फुल ब्राइट अवार्ड इनेबल्स, गारंटीज. जो एक अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो लाइफ स्टैंडर्ड्स होती है ना, वही स्टैंडर्ड्स वो आपको भी प्रोवाइड करेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल बीएस होती है 4 इयर्स की, तो आपके पास वो वाली डिग्री होनी चाहिए. या फिर आपके पास अगर आप मास्टर्स में फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फार्मडी की डिग्री होनी चाहिए. पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एमफिल या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट 18 इयर्स की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए. प्रीफर ये किया जाता है कि जो लोग रिसर्च से एसोसिएट हैं, ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिज़ायरेबल है कि वो लोग इसमें अप्लाई करें. डेडलाइन इसकी 22 जुलाई है. अब इसमें आप अप्लाई कैसे करोगे? आप सबसे पहले गूगल पे जाओगे, यहाँ पे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिखोगे. ठीक है, जब आप इस पे ये लिखोगे तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम USEFP, ये जो USEFP है ना, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में फुल ब्राइट के एप्लीकेशन को डील करता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे वर्ल्ड में ये स्कॉलरशिप होती है, डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो पाकिस्तान में जो इदारा इस चीज़ को डील करता है वो है USEFP. ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसका आप फ्लायर भी देख सकते हैं, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे मैंशनड है. ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेडलाइन 22 जुलाई लिखी हुई है. ठीक है, करंट स्टेटस का ओपन है, अभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो. यहाँ से आप जब इसकी एप्लीकेशन पे अगर आपने स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो है ना, यहाँ पे ये इसके सब सारा प्रोसीजर आ जाएगा. अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि इस साल COVID-19 की वजह से इन्होंने GRE को निकाल दिया है. मतलब जब हम मोस्टली अभी तक जितने भी ये लोग फुलब्राइट के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, हमेशा GRE इनकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है. GRE कोई आम टेस्ट नहीं है, अच्छा खासा मुश्किल टेस्ट होता है, लेकिन इस दफ़ा ये है कि COVID-19 की वजह से काफ़ी लोग GRE टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि हर चीज़ लॉकडाउन में है. तो फिर इन्होंने GRE को एग्ज़ाम कर दिया. अब ये GPA की बेसिस पे और आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करें उस चीज़ की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे इसके बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, फुल ब्राइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है USEFP, उस पर आप आओगे. ऊपर यहाँ पे वेबसाइट भी गिवन है, अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उस वेबसाइट पे जाके देखना. ठीक है, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो. अच्छा, नेक्स्ट स्कॉलरशिप अगर हम देखें तो साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप है, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है. ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके लिए कोई आईएलटीएस और टॉफल वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, GRE रिक्वायर्ड नहीं है. इसमें ये है कि 20 जुलाई से ये इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी. ये इस वक्त जो है ना, ये स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, इसकी आप एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और इसकी डेडलाइन ये है कि 30 जुलाई 2020. अगर ये 20 जुलाई से स्टार्ट होगी तो ऑलमोस्ट 10 दिन होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए. इसमें कोई आईएलटीएस और टॉफल वगैरह नहीं चाहिए, GRE भी नहीं चाहिए, सिंपली आपके पास डिग्री होनी चाहिए. अगर आपने PhD में अप्लाई करना है तो आपके पास MPhil की डिग्री होनी चाहिए, अगर MPhil में करना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए. सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कर रही है. स्कॉलरशिप कवरेज में अगर हम देखें तो ट्यूशन फीस को ये कवर करती है और स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करती है फॉर 2 इयर्स. ठीक है, 2 साल तक ये आपके ट्यूशन फीस को भी कवर करेगी और स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी. अकोमोडेशन भी फ्री होगी, इस स्टाइपेंड के अलावा आपको अकोमोडेशन दी जाएगी और जितने भी फूड और अदर एक्सपेंसेस होंगे वो आपके सारे के सारे इसमें स्टाइपेंड में कवर हो जाएंगे. फील्ड ऑफ स्टडी अगर हम देखें तो आपके पास डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, हर फील्ड है ऑलमोस्ट इसमें. मेडिकल साइंसेस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग वगैरह सारे के सारे इसमें हैं. ठीक है,
इसमें ये कि आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए उसके बाद आप उनसे वो कहेंगे कि आप जो है ना प्रोफेसर्स के साथ जो है ना कॉन्टेक्ट करें, तो आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को जो है ना ईमेल करोगे कि हम आपके पास जो है ना काम करना चाहते हैं, तो जो भी आपको जो है ना एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास आप भेज दें जाएंगे। लेकिन चाइना में ये होता है कि स्कॉलरशिप के लिए साथ साथ आपका एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होता है, लेकिन साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी हो, ठीक है, ईजिली इसमें हो जाती है। और इसमें आयर्स और टॉफल भी नहीं चाहिए, इवन जो है ना लो GPA जिनके भी है ना उनका भी इसमें सिलेक्शन ईजिली हो जाता है, साउथ कोरिया में इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, डिफरेंट 99 प्रोग्राम्स हैं जिसमें इसकी सिलेक्शन होती है, फील्ड्स हैं, ठीक है। तो सारी ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। अच्छा, नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ अगर हम जाएं तो ये है ताइवान स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं ना 2021 के लिए, इसलिए कि आप इसमें ऑलमोस्ट एक साल लग जाता है, जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं अगर आप 2020 में अप्लाई करोगे तो 2021 में जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट 2000 जो है ना स्कॉलरशिप्स होंगी, जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि फुल ब्राइट में 150 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें 2000 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। डिफरेंट फील्ड्स हैं, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। यूनिवर्सिटी ताइवान यूनिवर्सिटीज, अच्छा यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर रही, यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं और हर यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है ना वो वेरी कर रही है। आप जब इस वेबसाइट पे आओगे ना, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके आगे जाके पता चले जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। आप पहले सर्च करो ताइवान यूनिवर्सिटी जो है ना जहाँ जहाँ पे ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है, फिर उन स्कॉलरशिप फिर वहाँ पे जब आप देखोगे ना तो हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अपनी डेडलाइन होगी टिल अक्टूबर 2020, ठीक है। अक्टूबर तक डिफरेंट इसकी हैं डेडलाइंस हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है, और टोटल 2000 जो है ना एप्लीकेंट सेलेक्ट होंगे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स और PhD दोनों के लिए है। साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हर तरह के जो है ना फील्ड्स में जो है ना इसको एकोमोडेट करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल कवरेज की अगर बात की जाए तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, पार्टिसिपेशन फीस नहीं है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे कोई भी इसमें फीस नहीं है। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस आपकी ये कवर करेंगे, और ये जो इसकी करेंसी है TWD ताइवान की, ये 6000 पर मंथ फॉर अबाउट 12 मंथ्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ये आपका स्टाइपेंड होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि जो है ना अगर आपने जो है ना PhD में अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, अगर मास्टर्स में करना है तो बैचलर्स की होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए, मतलब चाइना और मेनलैंड वगैरह यहाँ के मतलब स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं इसके लिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ये डैड स्कॉलरशिप जो है ना ये जर्मनी के लिए है, आप यहाँ से इसकी वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है, बाद में अगर आप लोगों ने इसको सर्च करना हो तो यहाँ से इसी वेबसाइट को आप लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। डैड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है 2021 फॉर जर्मनी, ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स और MPhil या फिर शॉर्ट कोर्सेज के लिए, ठीक है, ये PhD के लिए नहीं है, ये सिर्फ मास्टर्स और शॉर्ट कोर्सेज वगैरह के लिए है। ये जो है ना 12 मंथ से 24 मंथ तक जो है ना इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है, 24 मंथ मतलब अगर आपने मास्टर्स करना है तो ऑलमोस्ट 2 साल लग जाते हैं, ठीक है, तो 2 साल मतलब 24 मंथ्स। अच्छा, फ्रेश ग्रेजुएट्स इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट या फिर अगर आपकी डिग्री को जो है ना नॉट ओल्डर देन 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल से ज़्यादा ना गुजरे हों। कंट्री इसकी जर्मनी है, फंडेड बाय BMZ जो फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इसको फंड कर रही है। फाइनेंशियल कवरेज फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स MPhil या शॉर्ट कोर्सेज के लिए, ड्यूरेशन या तो 12 मंथ्स तक के लिए या फिर 24 मंथ्स, ठीक है, 1 या फिर 2 साल तक। डेडलाइंस इसकी डिफरेंट है, 1 साल के अंदर
ये ट्राइमेस्टर की फॉर्म में ये जो है ना इसकी सिलेक्शन होती है। 30 सितंबर तक फर्स्ट डेडलाइन होती है, 30 सितंबर तक होती है, सेकेंड के लिए 15 अक्टूबर, थर्ड के लिए 30 नवंबर। इसमें ये डिफरेंस है कि जो 30 सितंबर में अप्लाई करेंगे तो उनकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी एज कम्पेयर टू बाकी, ठीक है। तो ये डिफरेंट के ट्राइमेस्टर होते हैं पर ईयर, इसके हिसाब से इनकी सिलेक्शन होती है। अच्छा, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स ये हैं। फाइनेंशियल कवरेज की अगर बात की जाए तो मंथली स्टाइपेंड ऑलमोस्ट 850 यूरो होता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। राउंड ट्रिप अप्रोप्रिएट ट्रैवल अलाउंस होगा। स्टडी एंड रिसर्च सब्सिडी, मंथली रेंट सब्सिडी वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे भी एप्लीकेबल अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आपको प्रोवाइड करेंगे। अलाउंस फॉर स्पाउस, अपने आप जो है ना, अगर आप स्पाउस लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ को लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है ना अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे जाके आपको जो है ना फ्री जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर स्कॉलरशिप देखें तो हमारे पास है द ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप है, डेडलाइन इसकी 26 जुलाई तक है। और इसमें ये बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, डिप्लोमा, डिफरेंट तरह के जो है ना स्टडी लेवल के लिए अवेलेबल है। होस्ट इंस्टीट्यूशन इसका यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स होते हैं। अच्छा, अगर इसकी कवरेज देखी जाए तो स्कॉलरशिप अवार्ड इन द फॉर्म ऑफ एनुअल ट्यूशन फी डिस्काउंट दिया जाता है अप टू AUD 45,000 ओवर 3 ईयर्स तक आपको दिया जाएगा फॉर बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स, और अप टू 30,000 ओवर 2 ईयर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है ना उस 30,000 होगा फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप इज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन इक्विवेलेंट ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी एडमिशन रैंक, ठीक है। आपके रैंक के मुताबिक जो है ना आपको जो है ना स्कॉलरशिप दी जाएगी। एलिजिबिलिटी ये है कि जो लिस्ट दी हुई है ना, इनमें से किसी कंट्री के आप एप्लीकेंट होने चाहिए, और जो है ना आपकी जो लास्ट डेट है वो 26 जुलाई है। इस वेबसाइट के थ्रू जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वेन्यू कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड अप करती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। ये कनाडा की स्कॉलरशिप है, बिफोर 3 नवंबर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी की स्कॉलरशिप है और इसका कोर्स जब स्टार्ट होता है ना मई सितंबर में स्टार्ट होगा 2021 में। होस्ट इंस्टीट्यूशन इसका जो है ना कैनेडियन यूनिवर्सिटी विथ वन ईयर सीडीएस एलोकेशन है। फील्ड ऑफ स्टडीज में पीएचडी के लेवल तक ही आपको जो है ना प्रोवाइड की जाएगी स्कॉलरशिप। अप टू 166 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं एनुअली। अच्छा, अप टू 3 ईयर्स तक जो है ना $50,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है टोनगेरेवा स्कॉलरशिप एट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप है। इसकी डेडलाइन डिफरेंट ट्राइमेस्टर की फॉर्म में होती है। 1 जून एक होते हैं, एक 1 सेप्टेम्बर और एक 30 नवम्बर, ठीक है। 1 जून तो ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, आप सेकंड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स मास्टर्स डिग्री के लिए है, पीएचडी डिग्री के लिए नहीं है। होस्ट इंस्टीट्यूशन इसका विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन है। बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी के लिए बैचलर्स और मास्टर पीएचडी के लिए नहीं है। और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अप टू 10 स्कॉलरशिप फॉर बैचलर्स और 9 स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स डिग्री के लिए है। और बैचलर्स के लिए जो है ना न्यूजीलैंड के $10,000 होंगे दिए जाएंगे और मास्टर्स के लिए न्यूजीलैंड $5,000, ठीक है। टारगेट इसका यही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बाकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि मस्ट बी कमेंसिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए। फुल इंटरनेशनल फी आर आइदर इंटरिंग इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेड। ये तो मतलब यही है कि सिंपली कि अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एजुकेशन उसकी होनी चाहिए।
डेडलाइन इसकी या तो 1 जून है, जैसे आपको मैंने बताया फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए 1 सितंबर और थर्ड के लिए 30 नवंबर। आप इनमें से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट स्कॉलरशिप है डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। डेनमार्क में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डेनमार्क है, मास्टर्स डिग्री के लिए, ये पीएचडी के लिए नहीं है। और ऑल कंट्री आउटसाइड द यूरोप, यूरोप के अलावा जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये है। और डेडलाइन इसकी 1 सितंबर है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। अच्छा, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं कि फुल ट्यूशन फी आपकी कवर करेगी, या फिर फुल ट्यूशन फी वेवर एंड अ ग्रांट, ठीक है, फुल ट्यूशन फी भी कवर करेगी और आपका आपको जो है ना एडिशनल ग्रांट भी दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, और लिविंग कॉस्ट अमाउंटिंग DKK 3,000 पर मंथ बिफोर टैक्सेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि फुल डिग्री स्टूडेंट्स होने चाहिए जो आपने बैचलर्स में किया है, और सिटीजन ऑफ कंट्री आउटसाइड द यूरोप, एनरोल्ड इन अ फुल डिग्री हायर एजुकेशन प्रोग्राम, ग्रांटेड अ टाइम लिमिटेड रेजिडेंस परमिट इन डेनमार्क ड्यू टू एजुकेशन, ठीक है, ये सारी परमिट तो ऑफकोर्स तभी मिलेगा जब आपको स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है रोडोस ग्लोबल स्कॉलरशिप, इसमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए दोनों के लिए है। डेडलाइन आपकी 31 जुलाई तक आपने करना है, तो टाइम थोड़ा है, आप जरा इसको जल्दी कर लें। यूके की स्कॉलरशिप है, होस्ट इंस्टीट्यूशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, एनी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विद सम एक्सेप्शन, ठीक है, फुल टाइम है, नंबर स्कॉलरशिप के थोड़े कम हैं, लेकिन जाहिर है इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। टारगेट ग्रुप यही है कि पहले से आप इस यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट ना हो, इसकी जो है ना कवरेज काफ़ी ज़्यादा है, रोड्स यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कवर्स ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज फीस, फीस को कवर करती है, एप्लीकेशन फ़ी को कवर करेगी, लिविंग स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करेगी, वन इकोनॉमी फेयर, और इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ना प्रोफिशंसी आपने प्रोवाइड करनी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बिरिया कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये जो है ना बैचलर्स के लिए है, 30 नवंबर की लास्ट डेट है, यूएसए की स्कॉलरशिप है, ऑलमोस्ट जो है ना जितने भी एडमिट किए जाएंगे स्टूडेंट्स उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, कि और तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स इसमें जो है ना एप्लीकेबल हैं। स्टूडेंट्स को पहले इनरोल किया जाएगा, फिर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, अगर आप इस कॉलेज में इनरोल हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेनिफिट इसके यही कि फुली फंडेड 100% आपको प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पे जाके जो है ना आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है एमरी यूनिवर्सिटी स्कॉलर प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री के लिए है, 1 नवंबर या फिर 15 नवंबर में आप अप्लाई कर सकते हो, यूएसए की स्कॉलरशिप है, होस्ट इंस्टीट्यूशन इसका एमरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ऑक्सफोर्ड कॉलेज एंड क्वेटा बिजनेस स्कूल एट एमरी यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। टारगेट ग्रुप यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल होंगे वो सारे उनको दी जाएगी, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। US$10,000 प्रोवाइड की जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस पर अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ये स्विट्जरलैंड की स्कॉलरशिप है, ठीक है, हर कोर्स के लिए जो है ना डिफरेंट डेडलाइन है, इस वजह से स्पेसिफाई नहीं की गई। मास्टर्स के लिए ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल होस्ट इंस्टीट्यूशन है, किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अभी तक स्पेसिफाइड नहीं की गई। अच्छा, टारगेट ग्रुप यही है कि इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने चाहिए, फुल फुल कवरेज है स्कॉलरशिप की। अच्छा, और इसमें जो है ना इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट।
अच्छा नेक्स्ट ये कि वुमेन इन लीडरशिप स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके की स्कॉलरशिप है, इसमें ये वुमेन्स के लिए वुमेन एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए फील्ड ऑफ स्टडी में ही सिर्फ ये आप अप्लाई कर सकते हो, इस वेबसाइट के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट ये है कि तस्मानिया स्कॉलरशिप 150 स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करेंगे फॉर तस्मानिया स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए है। इसमें ये है कि कंट्री ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी तस्मानिया यूनिवर्सिटी है। टोटल स्कॉलरशिप 150 स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट करेंगे, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी इसी में इंक्लूडेड है। फुली फंडेड है, हर तरह से ये फाइनेंशियल कवरेज आपको प्रोवाइड करेगी। डेडलाइन इसकी है 16 अक्टूबर 2020, ठीक है। इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। पीएचडी अप टू 3.5 ईयर्स तक आप इसमें जो है ना पीएचडी कर सकते हो विदाउट एनी एक्सटेंशन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। मास्टर्स के लिए 2 ईयर्स है, ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप कवरेज देखें तो ट्रेवल अलाउंस है, एयर फेयर टिकट है आपके पास, फुल ट्यूशन फीस विल बी पेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ट्यूशन फीस भी यूनिवर्सिटी ही पे करेगी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब अकोमोडेशन का अलाउंस आपको दिया जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन्स में ये जो है स्कॉलरशिप है ये आप देख सकते हैं, ये सारे जितने भी डिसिप्लिन्स है ना इन सब में ये स्कॉलरशिप है अवेलेबल। अच्छा इसके लिए जितने भी यूके की स्कॉलरशिप्स होती है ना उन सब में आपके जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगते हैं। मोस्टली यूके में आपके पास आइट्स की रिक्वायरमेंट होती है और यूएसए में टॉफल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप थाई गवर्नमेंट की है, इसमें ये है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स के लिए भी है, बैचलर्स के लिए भी है, पीएचडी के लिए भी है। आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है आइट्स का तब भी आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसका ये फायदा है कि आप बगैर आइट्स के भी इसको जो है ना कर सकते हो। अगर आपके पास वैसे आइट्स नहीं है और कोविड की सिचुएशन है तो जनरली मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि आप ऑनलाइन जो है ना आइट्स का टेस्ट दे सकते हो अगर आप सूटेबल हो ऑनलाइन के लिए। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं, लैपटॉप वगैरह हर चीज़ है तो आप ऑनलाइन दे सकते हो। लेकिन इस स्कॉलरशिप थाईलैंड की स्कॉलरशिप के लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मे बी बाद में रिक्वायर्ड हो लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा ये यूनिवर्सिटी है जो इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कर रही है, कोर्स लेवल बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी या फिर कोई भी डिप्लोमास वगैरह, फुली फंडेड है। डेडलाइन इसकी 15 अक्टूबर 2020 है। स्कॉलरशिप कवरेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस ये कवर करेगी, ठीक है। रिटर्न एयर फेयर टिकट भी आपको प्रोवाइड करेगी, फुल ट्यूशन फीस, मंथली स्टाइमेंट भी और अकोमोडेशन अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट ये आप प्रोग्राम्स देख सकते हो इस जो अवेलेबल है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही फील्ड्स कवर हो जाते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रिफर किए जाएंगे, 35 से कम एज होनी चाहिए, गुड कमांड एट इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्कॉलरशिप है रिसमस मंडे स्कॉलरशिप। अच्छा इसमें ये कि इतने ऑलमोस्ट 2,500 स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करेंगे, फॉल 2021 में ये स्टार्ट होगी, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन स्कॉलरशिप की 2 ईयर्स है, ठीक, क्योंकि ये मास्टर्स डिग्री के लिए है, पीएचडी के लिए नहीं है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। डिफरेंट प्रोग्राम के डिफरेंट डेडलाइंस हैं। यूरोप के लिए यूरोपियन यूनियन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, फुली फंडेड है। बेनिफिट्स इज मंथली स्टाइपेंड, फ्री ट्यूशन फी, ट्रेवलिंग अलाउंस, एयर फेयर रिस्ट्रिक्शन, कोई मतलब ये काफी ज्यादा इसमें जो है ना फायदे हैं, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्कॉलरशिप है स्वीडन यूनिवर्सिटी की, बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 4 ईयर्स, ठीक है, फुली फंडेड है, डेडलाइन 17 अगस्त है, ड्यूरेशन ये कि अप टू 4 ईयर्स तक ये है फॉर अंडर ग्रेड। अवेलेबल सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज, हेल्थ एंड वेलफेयर वगैरह, डिफरेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप डिफरेंट ये हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सिंगापुर स्कॉलरशिप है, 240 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे फॉर बैचलर्स एंड पीएचडी। स्कॉलरशिप कंट्री सिंगापुर है, पीएचडी डिग्री के लिए डायरेक्टली आफ्टर बीएस भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने बीएस भी किया हुआ है ना अपनी कंट्री में तब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इसकी 240 है, फुली फंडेड है, डेडलाइन इसकी है 1 दिसंबर 2020, ठीक है। सिंगा स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप का नाम है, अगर आपने गूगल पे इसको सर्च करना है तो आप इस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो। फुल ट्यूशन फीस प्रोवाइड कर रही है, मंथली स्टाइपेंड ऑफ $2,000 विच विल बी इंक्रीज टू 2,500 आफ्टर पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। वन टाइम एयर फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वन टाइम सेटलिंग इन अलाउंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी आप सब देख सकते हैं कि फूड वगैरह, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सब सारे अप्लाई कर सकते हैं। गुड स्किल्स इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश होनी चाहिए, एकेडमिक रेफरेंस आपने जो प्रोवाइड करने हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। दिस इज़ फॉर August 2020 2021 इनटेक, ठीक है, 2020 में आप अप्लाई करोगे लेकिन आपका इंटेक August 2021 में होगा। नेक्स्ट है ग्रिफिथ रिमार्केबल स्कॉलरशिप, डेडलाइन इसकी 17 मई या फिर 7 अगस्त है, ये 2 टाइम्स होती है पर ये अभी आपके पास जो 7 अगस्त वाला टाइम है वो अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप है, बैचलर्स और मास्टर दोनों के लिए है, होस्ट इंस्टीट्यूशन इसका ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, फुल टाइम बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। अच्छा, टारगेट ग्रुप यही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अदर देन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। स्कॉलरशिप कवर करती है 50% ट्यूशन फीस को, अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड कोर्स वर्क्स में से फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। बाकी सारी आप एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है ब्रिमिंगम स्कॉलरशिप है फॉर यूके, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इसकी 200 है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। ये सारी फील्ड्स हैं जिसके लिए ये है स्कॉलरशिप, इन सारी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अवार्ड ये है कि अप टू 200 अवार्ड्स ऑफ 2000 करेंसी टू सपोर्ट द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट एप्लीकेशन विशिंग टू अंडरटेक अ मास्टर स्टडी, ठीक है, ये मास्टर्स के लिए है ये स्कॉलरशिप, पीएचडी के लिए नहीं है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। नेक्स्ट ये है ज्यूरिख वन यंग वर्ल्ड स्कॉलरशिप, ये एक समिट है, ठीक है, ये आप डिग्री प्रोग्राम नहीं है, एक समिट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डेडलाइन इसकी 17 जुलाई है और आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक है, जर्मनी के लिए है, 1 यंग वर्ल्ड समिट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इसमें 12 है, टारगेट ग्रुप इसका ये है कि आउटस्टैंडिंग यंग लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड बींग ऑन इंक्लूजन। अच्छा, इसमें ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे जितने भी समिट्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी अगर अपनी कंट्री में भी आप कोई वॉलंटियर वर्क वगैरह करते हो तो आप वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इस स्कॉलरशिप में, ठीक है। ये सारे इसके जो है ना इंक्लूजन्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, बैचलर्स मास्टर या फिर डिप्लोमा के लिए है, न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप है, डेडलाइन इसकी 21 नवंबर है या 2020 या फिर 20 अप्रैल 2021, ठीक है। होस्ट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है,
नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 50 है, इंटरनेशनल स्टूडेंट सबको प्रेफर किया जाएगा, ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओपन 10 अक्टूबर को ये ओपन होगी, ठीक है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करोगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनल अंडरग्रेज स्टूडेंट बर्सरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, इसमें आप जो है ना बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कनाडा की स्कॉलरशिप है, 1 अक्टूबर जो है ना इसकी लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टारगेट ग्रुप इसका यही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है मैक्स्ट स्कॉलरशिप, जैपनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर यंग लीडर्स। इसमें ये मास्टर्स डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मिड अक्टूबर ने जो है ना इसकी डेडलाइन है टू स्टडी इन जापान। और होस्ट इंस्टीट्यूशन इसका ये नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज ग्रिप्स, मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कॉलरशिप। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन मैं अब इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं ले सकती एक वीडियो बनाने के लिए। और इस तरह के अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं या फिर आप चाहते हैं कि किसी एक चीज़ पे मैं ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।